हाय बच्चों, सुप्रभात। बच्चों, अभी आपको मैंने पढ़ाई थी कविता मैना। हाँ, तो आप मैना क्या था इसका? मैना मैदान में। अब आपको मैं इसका शब्दार्थ है जो मैं करवा रही हूँ, आप ध्यान से देखेंगे। बैठक के मीन्स क्या होता है? बैठक घर में बैठने का कमरा, एक जगह घर मकान में ऐसा जगह होता है जहाँ सभी लोग बैठते हैं। मैला मीन्स गंदा। कैद, कैद मीन्स होता है जेल या बंधन। मैदा आटा जिससे कुछ खाने की सामग्री बनती है। हैरान परेशान। मैदान यानी खुली जगह जहाँ कोई बंधन नहीं है, आइए आराम से बैठिए, घूमिए फिरिए, खाइए और जाइए, उसी को हम मैदान कहते हैं। बच्चों, इसके बाद क्वेश्चन आंसर है जो मैं आपको बोर्ड पर लिख के बताऊंगी, उसके बाद कुछ और काम है जो मैं आपको यहाँ बता दे रही हूँ, उसके बाद इसका क्वेश्चन आंसर मैं करवाऊंगी। ए और ए की मात्रा में अंतर समझो और दोबारा लिखो। मे मेल, बेल मैं, मैल बैल, हे मेला पैसा, है मैला पैसा। तो आपने देखा कि कैसे ए की मात्रा और आई की मात्रा का यूज किया गया है और इसको हम किस तरह से लिखते हैं और किस तरह से इसको फिर पढ़ते हैं। ओके बच्चों, उसके बाद आप देखिए कहीं कहीं पर होता है कि आप आई की मात्रा के जगहों पर आई की भी बोली जाती है, जैसे हम लिखते हैं मैया, तो मैया ऐसे भी आई की मात्रा लगा कर भी लिख सकते हैं और ऐसे भी लिखेंगे। गैया ऐसे भी लिखेंगे, भैया ऐसे भी लिखेंगे और दैया ऐसे भी और ऐसे भी लिखेंगे। उसके बाद विलोम शब्द लिखे। कैद आजाद, मैला साफ, हंसना रोना, खुला बंद, बैठी खड़ी, खोया पाया, जागना सोना, बड़ा छोटा। तो इस तरह से आप इसका विलोम शब्द भी याद करेंगे। ओके बच्चों, आप इस वीडियो को देखेंगे और देखकर भी इसका विलोम शब्द अपने बुक में भी भरेंगे और फिर उसको लर्न करेंगे। कुछ चिड़िया होती है जो पाली जाती है, पालतू चिड़ियों के सामने सही का निशान लगाइए, जैसे तोता, मुर्गी, मैना, कबूतर, बगुला। हाँ, बगुला भी पालने की चीज़ नहीं है, यह पानी में रहता है खुद से। तो इन सब पक्षियों को हम पालते हैं तो इन्हीं के जगह निशान लगाना है। अब है बच्चों इसका क्वेश्चन आंसर जो मैं आपको बोर्ड के माध्यम से कराने जा रही हूँ, आप ध्यान से देखेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन है इसका, मैना का पिंजरा कहाँ है? मैना का पिंजरा कहाँ है? इसका आंसर लिखेंगे, मैना का पिंजरा बैठक में है। मैना का पिंजरा बैठक में है। सेकंड क्वेश्चन है, पिंजरा कैसा है? तो आप लिखिए, पिंजरा मैला है, पिंजरा मैला है। थर्ड क्वेश्चन है, पिंजरा कौन लाया है? पिंजरा कौन लाया है? पिंजरा भैया लाया है, पिंजरा भैया लाया है। उसके बाद फोर्थ क्वेश्चन है, मैना को मैदा कौन देता है? क्वेश्चन नंबर फोर यानी कि घ, मैना को मैदा भैया देता है, मैना को मैदा भैया देता है। उसके बाद उत्तर में नेक्स्ट क्वेश्चन है, पिंजरे से मैना कब भाग गई? आंसर लिखिए, पिंजरे से मैना दरवाजा खुलते ही भाग गई। क्या लिखेंगे? पिंजरे से मैना दरवाजा खुलते ही भाग गई। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, भैया हैरान होकर कहाँ गया? भैया हैरान होकर कहाँ गया? इसका आंसर लिखिएगा, भैया हैरान होकर मैदान में गया। क्या लिखेंगे? भैया हैरान होकर मैदान में गया। डियर स्टूडेंट, इस तरह से आप सारे क्वेश्चन आंसर को अच्छे से फेयर करेंगे और फिर लर्न करेंगे। आपकी एनुअल एग्जाम अब कुछ दिन बाद निश्चित शुरू हो जाएगी, तो आप सारे क्वेश्चन आंसर को फेयर करके इसमें इसको लिखेंगे। ओके बच्चों, आप देख रहे हैं कि आपका जो पढ़ाई है अब समाप्त होने जा रहा है, अब आपका रिवीजन चलेगा। ओके
ओके बच्चों, बाय।